यूपी के गाजियाबाद में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर रेप किया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन होने लगा। गुस्साए लोगों ने आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे, पर लोगों का गुस्सा देख उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे तैसे मामले को शांत किया गया। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के परिजनों ने दर्ज कराई गई शिकायत में कहा है कि बुधवार की शाम करीब 6 बजे बिजली गुल होने पर 3-4 लोग पिछले दरवाजे से घर घर में घुस आए। कबाड़ का काम करने वाले आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया और मारपीट की। परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सस्पेक्ट था, उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया है। अभी उनकी क्या मांग है? अभी जो कुछ लोग जो आए हैं, इनमें से परिवार के लोग के अलावा भी लोग आए हैं, उनका एलिगेशन है। एक गिरफ्तार हुआ है, बाकी और भी लोग हो सकते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है और किसी के पास कोई साक्ष्य भी नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने जो आशंका जताया, वहाँ पे कबाड़ के जो कॉलोनी के अंदर जो है, कबाड़ की जो दुकानें खोली हुई हैं और उसमें जो लोग रह रहे हैं वो बदतमीजी करते हैं, तो इस संबंध में मेरे द्वारा SHO को भी और ACP और DCP को बता दिया गया है। तत्काल जो भी बाहर के व्यक्ति वहाँ रह रहा हो और कॉलोनियों में कबाड़ के काम कर रहे हो, आश्वासन दिया है, वो तत्काल उस पर अगर नियम विरुद्ध वो चल रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक मुकदमा है रेप की, बच्ची का जो 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और बच्ची का 161 के तहत जो वीडियो रिकॉर्डिंग महिला कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, महिला जो बच्ची है, जो पीड़िता है, उसने जो बताया वो सारे तथ्य हम लोगों ने FIR में भी इंक्लूड किया है और अपने बयानों में भी इंक्लूड किया है। आगे जो भी तथ्य जो आएगा सामने उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें रेप की धाराओं में मामला दर्ज है या गैंगरेप? बिल्कुल रेप के, जो पहला तहरीर मिला हमको परिवार की ओर से, रेप में जो तहरीर मिला है रेप में ही दर्ज हुआ है। और अब जो इन लोगों का कहना है, आशंका जताना है, इनको एक से अधिक हो सकते हैं और बट इनके पास कोई ऐसा नाम या